हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का आईसीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ का मेंसुरेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज़ वर्थ 32 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। क्लियर। आगे कह रहा है, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और उस सिलेंड्रिकल वेसल का हाइट है 25 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें उस सिलेंडर का रेडियस भी फाइंड करना और वॉल्यूम भी फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ये है 132 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड हमारे पास है हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर। क्लियर। सबसे पहले अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे रेडियस फाइंड करने के लिए कह रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास सर्कमफेरेंस है और हाइट है, तो हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है उसका बेस तो सर्कल के ही शेप में होगा, है ना। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस गिवेन है 132 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r, जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, r को हम एक तरफ रहने देते, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके आते हैं। ये हो जाएगा 132, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × 22, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 66। क्लियर। अब 22 से इसको हम 3 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, तो 7 × 3 = 21, दैट मीन्स आर का वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर। रेडियस हमारा हो गया है, दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। हमारे पास r भी है, h भी है, और पाई का वैल्यू भी है, रख लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 × r, 21 × 21 × 25h। क्लियर। 7 से हम इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का 66 × 21 × 25। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 66 × 21, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 132, 6, 8, 3 and 1 × 25। क्लियर। ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 40 × 3 = 43, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19, 5 × 1 = 5, 16, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 3 = 6, 6 = 7, and 2 × 1 = 2, 0, 5, ये हो जाएगा 9, 7, 16, 6, 7, 13, 1, 14, and 2, 1, 3। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का 3, 4, 6, 5, 0 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर। मतलब कि सिलेंडर का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, और उसके बेस का सर्कमफरेंस 110 सेंटीमीटर गिवेन है। क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे द हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सिलेंडर का हाइट बताना है, एंड सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को सिलेंडर का वॉल्यूम बताना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें गिवन क्या क्या है, तो सर्कमफरेंस गिवन है कितना, 110 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड सी एस ए गिवेन है कर्व सरफेस एरिया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस के लिए हम सर्कमफरेंस में रखते हैं, तो ये हो जाएगा सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 110, ठीक है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 110, ठीक है। यहाँ से r का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 दूसरी तरफ जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 7 से मल्टीप्लाई इंटू 22, ठीक है। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 55 टाइम्स, ठीक है। 11 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स। आर का वैल्यू कितना आ गया, 5/7 = 35/2, क्लियर। ये हमारा आ गया आर 35/2 सेंटीमीटर। इसको यही रख लें क्योंकि आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आर का वैल्यू हमारे पास आ गया, हमें फाइंड करना हाइट। तो हाइट के लिए हम देखें कि किस फॉर्मूले में सिलेंडर के किस फॉर्मूले में हाइट और रेडियस दोनों आते हैं। तो हम सी एस ए हमारे पास गिवन है, सी एस ए वाले फॉर्मूले में हम रख देते हैं, तो आर वहाँ पुट करने के बाद हमको हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो सी एस ए क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4400, ठीक है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πrh, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πrh इज इक्वल टू 4400, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 35/2। तो ये रखेंगे हम, एच हमको फाइंड करना, एच एक तरफ पड़ा रहने देते, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेके आते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, क्लियर। अब यहाँ हम वैल्यू रखते हैं सारे, ये हो जाएगा 4400, ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7/22 इंटू आर का वैल्यू कितना, 35/2, तो ये हम 2/35 हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 35/2 रखेंगे, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, ये 7 से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 400, और हमारे पास बचा फिर 2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। एच का वैल्यू अब कितना बच रहा, 400, इधर कुछ नहीं बच रहा, डिवाइडेड बाय 5 × 2 = 10, दैट मीन्स एच कितना आ गया, 40। तो हाइट इज़ इक्वल टू 40। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो पहला पार्ट हम लोगों का ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लें, सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम के लिए हमें जो भी चीज़ें नीड है, वो सारी चीज़ें आर भी हमारे पास और एच भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 40, क्लियर। ये हम 7 से इसको 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको 11 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको 20 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बचा, 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 20, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 × 5 = 55 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 55 × 110, ठीक है। तो 55 × 2 = 110 और एक 0 × 35, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे हम। तो अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, दो ज़ीरो हमारे ऐड हो जाएंगे, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, 33 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द अ सिलेंडर हैज़ अ डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर गिवेन है आपकी बार कितना है, 20 सेंटीमीटर, और उसका CSA गिवेन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गिवेन क्या है ये नोट कर लेते हैं पहले। गिवेन में हमारे पास है डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग CSA पे। CSA कितना गिवन है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सबसे पहले फाइंड करना है हाइट, तो हाइट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, CSA के फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमें वहाँ से हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CSA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। ठीक है, CSA गिवेन है 1000 इज इक्वल टू 2 × π का वैल्यू, अब की बार हम लोगों को 3.14 रखना है, R हमारा 10 है, हाइट हमको फाइंड करना है। क्लियर, अब हाइट को एक तरफ रहने देते, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3.14 × 10। क्लियर, हाइट नहीं है, हाइट तो हमारा रह गया उस तरफ। ठीक है, इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट लगा, यहाँ से पॉइंट हम हटा के यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाइट इज़ इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 314। ठीक है, और इसको स्मॉल करते हैं, ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 11 हो गया, 3 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 14। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 1 5 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको हम और डिवाइड करेंगे, हाइट इज़ इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 157। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.9। क्लियर, ये आप लोग डिवाइड कर लेना, ये हम लोगों का हाइट आ गया 15.9 सेंटीमीटर डेसिमल के वन प्लेस पे। ठीक है, अगला पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख लेते हैं, पाई का वैल्यू हमारा कितना, 3.14 × r² दैट मीन्स 10 × h, h कितना आ गया 15.9। क्लियर, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से डेसिमल, दैट मीन्स 314 × 15.9। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ये 4,992.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ गए, ये हमारा हाइट हो गया 15.9 सेंटीमीटर और 4,992.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, एक फाउंटेन पेन है उसका जो इंक भरने का बैरल है, बैरल कह सकते हो या पाइप कह सकते हो, ठीक है, वो पाइप सिलेंडर शेप में है। क्लियर, इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स कि उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अगर हम सिलेंडर की बात करें तो लेंथ को हम हाइट लेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड 5 mm इन डायामीटर, और उसका जो डायामीटर है वो 5 mm है। ठीक है, अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 300 वर्ड्स ऑन एन एवरेज, मतलब कि अगर हम एक बार उस बैरल को फिल कर लेते हैं तो एवरेज देखें 300 वर्ड्स हम उस टोटल इंक से लिख सकते हैं। ठीक है,
हाउ मैनी वर्ड्स वुड यूज़ अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर, मतलब कि एक बोतल है जिसका 1/5, 1 लीटर का बोतल है जिसका 1/5 इंक यूज़ करके हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 वर्ड, हमें जो आंसर बताना वो 100 वर्ड्स के नियर में अबाउट बताना है, ठीक है। मीन्स कि हमें अप्रोक्सीमेशन करना है 100s के बेस पे। अगर अप्रोक्सीमेशन करना नहीं आता है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वो कंप्लीट वीडियो एक बनाया है अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा जो बैरल है फाउंटेन पेन का वो सिलेंड्रिकल है जिसका हाइट 7 सेंटीमीटर और उसका जो डायामीटर वो 5 mm है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवेन है। मीन्स कि यहाँ पे लेंथ ऑफ बैरल कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायामीटर क्वेश्चन में गिवन है 5 mm, ठीक है। इसको पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/10 cm। अब हमें रेडियस फाइंड करना क्योंकि हमें नीड होगा रेडियस का, तो ये कितना हो जाएगा 5/10 इंटू डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स हो गया हम लोगों को 5/20 cm, ये आ गया रेडियस, क्लियर। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ इंक इन द बैरल, वॉल्यूम ऑफ इंक इन द बैरल, ठीक है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला वही जो हमारा सिलेंडर का होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच की जगह हम लोग एल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि जो हमारा लेंथ है उसको हम हाइट लेट कर सकते हैं, हाइट मान सकते हैं। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 5/20, तो ये हो जाएगा 5/20 × 5/20 इंटू एल का वैल्यू कितना है 7, क्लियर। अब हम 7 से 7 इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 5 से इसको हम 4 times कैंसिल कर देते हैं, इसको भी 4 times कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का 22/16, इसको और स्मॉल कर देंगे तो ये 11/8 हो जाएगा। 8 मीन्स कि जो 11/8 है सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इंक जो बैरल में आ रहा है उसका वॉल्यूम है, मतलब कि एक बैरल में कितना इंक आएगा 11/8 cm³, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हम अगर देखें तो जो इतना ये इंक है इससे कितने वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, 310 वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल बैरल इन जो भी हमारा 1 लीटर। अब यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल इंक इन बोतल, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/5 है। अगर हम लीटर की बात करें तो 1000 ml होता है, ठीक है। इसका 1/5, दैट मीन्स 1/5 से इसको डिवाइड कर देंगे 200 times, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का 200 ml, इतना है हमारे पास क्या टोटल इंक, और ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम ml भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो बैरल उसमें 11/8 ml इंक लगता है और टोटल हमारे पास 200 ml है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स रिटन बाय इंक, ठीक है। कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल इंक कितना है 200 ml, ठीक है। अब 1 barrel में कितना इंक लग रहा है 11/8, तो हम इसको 11/8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 11 और रेसिप्रोकल होके 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितने वर्ड्स एक बैरल में लिखे जा रहे हैं 310, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास टोटल इंक कितना 200 ml, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे कि कितने बैरल इंक हो सकता है, वो बनाने के लिए हम 200 ml को एक बैरल इंक से डिवाइड कर देते हैं। एक बैरल में इंक कितना आ रहा है 11/8 आ रहा, तो 11 का रेसिप्रोकल होके 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको टोटल बैरल मिल जाएंगे और 1 barrel में 310 words लिखते हैं, तो 310 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। 1600
इंटू 310 डिवाइडेड बाई 11। अब चाहें इसको तो हम लोग 11 से इसको कट करते हैं, 11 टू जा 22, और यहाँ से हम लोगों का बच जाएगा 9, क्लियर 90 हो गया। 11 एट जा 88, टू बचेगा, 11 बन जा 11, ठीक है। अब इसको जब हम डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 4590.something, ठीक है। अब इसको जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 45,100 words, क्लियर। इतने वर्ड्स हम टोटल इंक से लिख सकते हैं। उसने कहा था 100 के अप्रोक्सीमेशन में हमको रखना, तो हमने यहाँ पे 90 को क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। मीन्स कि हमारे पास, हमको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है एक सिलेंडर की। गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर का हाइट कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, एंड उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 20, या फिर इसको हम पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। r का वैल्यू कितना है, 3.5, ठीक है, ब्रैकेट में 3.5 प्लस 7.5, क्लियर। अब ये हो जाएगा हम लोगों का 35 टू जा 70, दैट मीन 7π, ठीक है। पॉइंट लगा तो वन डिजिट पे पॉइंट लगेगा, 7 बचेगा, और इनटू ये हो जाएगा हम लोगों का 7.5 प्लस 3.5 11, ठीक है। ये हो जाएगा 11 7 जा 77 पाई, ये हम लोगों का आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h, ठीक है। ये हो जाएगा 2πr का वैल्यू कितना है, 3.5 इंटू 7.5, ठीक है। अब ये हम लोगों का हो जाएगा 7 इंटू 7.5 इंटू पाई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 3 52.5 पाई, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया बाई कर्व सरफेस एरिया। वैल्यू रखते हैं, टोटल सरफेस एरिया 77π है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 52.5π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, वन डिजिट पे पॉइंट लगा, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर हम क्या करते हैं, 10 बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 5 to 5, क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 0, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बचा 25, 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसको फिर से हम 7 से डिवाइड कर लेते तो ये हो जाएगा 15 times, और ये हो जाएगा 22 times, क्लियर। तो रेशियो कितना आ गया, 22 बाई 15, दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
टोटल सरफेस एरिया रेशियो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22:15। यही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।